ओके तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेनीर मास्टर कार्ड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों मास्टर कार्ड जो आपका आता है, प्रीपेड मास्टर कार्ड जो होता है, पेनीर की तरफ से आपको सेंड किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने दो कार्ड ऑर्डर किए, ठीक है। एक कार्ड मैंने ऑर्डर किया, वो मुझे मेरे एड्रेस पे नहीं पहुँच पाया, ठीक है। फिर मैंने दूसरा कार्ड ऑर्डर किया एड्रेस चेंज करके, तो वो मुझे मिल चुका है दोस्तों। तो खुशी की बात है कि कार्ड मुझे मेरे घर पर एड्रेस पर मिल गया है और बिल्कुल फ्री में मिल गया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे अकाउंट में 0-0 बैलेंस है और उसके बावजूद मुझे कार्ड जो है रिसीव हो चुका है। तो मैं आज आपको लाइव दोस्तों एक्टिवेट करके दिखाऊंगा इसको, और आपको भी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि आप अपने कार्ड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप अपने पेनीर मास्टर कार्ड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी योर स्टेटस एंड एक्टिवेट योर कार्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप वो नीचे कह रहे हैं कि रिसीव्ड योर कार्ड, अगर आपका कार्ड जो नहीं मिला है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये भी मैं वीडियो बनाई थी, ये नीचे इन सारी वीडियोज़ का दोस्तों लिंक, अकाउंट बनाने का, इसको दोस्तों कार्ड एक्टिवेशन का सारा, इसका कार्ड दोबारा अपलोड ऑर्डर करने का, और अगर आपका कार्ड नहीं मिला है तो उसी की एप्लीकेशन करने का, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने की जो वीडियोस हैं वो मैंने बनाई हुई हैं पहले से, तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उसके अकॉर्डिंग आपको कोई मसला आ रहा है तो आप उन वीडियो को देख के अपने मसले को हल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने 16 डिजिट का कोड जो आपके कार्ड के ऊपर फ्रंट वाली साइड पर लिखा होता है तो वो आपने इधर डालना होता है। तो आपको हो सकता है कि स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा हो कि जो आपने कोड डालना है कार्ड वाले फ्रंट कार्ड के ऊपर फ्रंट वाली साइड पे लिखा होता है कोड, वो आपने इधर कोड डालना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोड डालेंगे तो कोड डालने के बाद आपने दोस्तों है 4 हिंसों का कोड आपने अपना जो खुफिया पिन रखना होता है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो मैं कोड पहले डाल देता हूँ। कोड डालने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कोड डालता हूँ मैं, यहाँ पे कोड अपना डायल कर रहा हूँ और ये हो गया मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने करना है 4 हिंसों का अपना कोड जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा से आपने सेलेक्ट करना है अपना जो पासवर्ड आपने रखना होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, या कोई भी आपने विड्रॉ करना है एटीएम से, तो आपको ये कोड लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्टिवेट के ऊपर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो अकाउंट है, आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन योर कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, प्लीज़ नोट दिस कार्ड एप्लीकेशन ऑर्डर योर अवेलेबल बैलेंस एंड फंडिंग सोर्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम योर ओल्ड कार्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा कार्ड जो सक्सेसफुली दोस्तों अब हमारा अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई जो है अपने कार्ड को एक्टिवेट कर लेना है, और अपने जो अकाउंट को वेरीफाई करवाने की वीडियो जो है वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊँगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को फुली वेरीफाइड कैसे करवा सकते हैं। और दोस्तों अपने जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर आ जाऊँ तो यहाँ पे मेरे जो ऑटोमेटिकली जो अकाउंट क्रिएट हुए हैं, आप देख सकते हैं यूएस डॉलर में मेरा अकाउंट बना हुआ है और यहाँ पे बैंक अकाउंट सारे मेरे बने हुए हैं। तो ये आपने कैसे ओपन करवाने हैं वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो चलें चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अल्लाह हाफिज़, चलते हैं फिर।